हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू डू अ बैक फ्लिप। काफी अच्छी एक्सरसाइज है लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए, तो आज हम इसी को सीखेंगे 4 इजी स्टेप्स में। और उससे पहले ध्यान रखिए कि आप अपने रिस्ट जॉइंट्स को, अपने शोल्डर को, अपने बैक को पहले अच्छे तरीके से वार्म अप कर लें ताकि आप अपने आप को इंजर ना करें। और हमारा पहला स्टेप यही है ताकि आप अपनी बैक फ्लिप के लिए अपने शोल्डर, अपने रिस्ट और अपनी बैक में अच्छे तरीके से मोबिलिटी बनाएं और स्ट्रेंथ बनाएं। तो आपको अपने पहले स्टेप के लिए कुछ नहीं करना है, जमीन पे लेट जाना है और ब्रिज करना है। तो जितनी ज्यादा देर हो उसके आपको उतनी देर होल्ड करना है। शुरू में कम होगा और धीरे धीरे इसमें टाइम बढ़ाना है। पहला स्टेप आपका यही है, आपको ये तो करना ही है। और आप अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने शोल्डर और रिस्ट में जरूरी नहीं आप यही करें, आप दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स, ये भी आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में शोल्डर में ये भी आपको मदद करेंगे। तो अब आ रही है दूसरे स्टेप की। तो दूसरा स्टेप हमारा है, आप सबसे मुश्किल लगा सकते हैं इसे, और आपको ये करते टाइम अपने किसी दोस्त या किसी की मदद की भी जरूरत पड़ सकती है इसमें आपको। और ध्यान रखिए कि इसे हार्ड सरफेस में मत कीजिएगा, हो सके तो किसी मैट पे, ग्रास पे या मिट्टी पे कीजिएगा। दूसरा स्टेप हमारा स्टैंडिंग ब्रिज, हमें खड़ा होना और ब्रिज करना है। शुरू में आपको डर लगेगा, इसलिए आप अपने किसी दोस्त की भी मदद ले सकते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो जो हमारा तीसरा स्टेप है वो आपको मदद करेगा बैक फ्लिप के लास्ट पोर्शन में। तो आपको इसके लिए दीवार के सहारे आपको ब्रिज करना है, दीवार के सहारे ब्रिज करना है और अपने पांव का सहारा लेते हुए इस तरीके से आपको, ये आपको बैक फ्लिप के लास्ट स्टेप में आपको मदद करेगा। तो फोर्थ स्टेप आपको काफी मदद करेगा बैक फ्लिप सीखने में। और अगर आपने पहले तीन स्टेप अच्छी तरीके से करें तो आप इसे और जल्दी सीखेंगे। तो इसमें एक ट्रिक है कि आपको पूरी बैक फ्लिप नहीं करनी है, इसमें आपको अपने हाथ साइड में रख के आपको साइड में जाना है, यानी ऐसे आपने हाथ रखे और बैक फ्लिप नहीं करनी, आपको साइड में जाना है ताकि आप धीरे धीरे बैक फ्लिप के मूवमेंट को सीखें और आपका डर भी कम हो। क्योंकि आप शुरू में पूरी बैक फ्लिप नहीं कर रहे, पूरी करेंगे तो आपको ज्यादा डर भी लगेगा कि आप खुद को इंजर कर लेंगे। तो इसलिए हमें आपको धीरे धीरे बैक फ्लिप की मूवमेंट पे जाना है और साइड में आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना है। पहले साइड में जैसे कि आप धीरे धीरे बैक फ्लिप की मूवमेंट पे जा रहा हूं ऐसे और अगली बार ऐसे। आपको पहले धीरे धीरे साइड में जाना है और धीरे धीरे आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। और एक और चीज का ध्यान रखिए बैक फ्लिप करते टाइम कि आपको ऊपर की तरफ नहीं जाना है, आपको पीछे 45 डिग्री के एंगल पे आप लगा सकते हैं, ये आपको तिरछा यानी डायगोनल में जाना है। तो अगर आप पीछे जाएंगे तो आपकी इंजरी की चांसेस ज्यादा है और आपकी बैक फ्लिप इतनी अच्छी भी नहीं लगेगी। ऊपर की तरफ नहीं जाना है, जैसे कि ऐसे नहीं जाना है, इससे आपकी इंजरी की चांसेस ज्यादा है कि आप पता आपके हाथ भी ना टिके अगर आप ज्यादा ऊपर जाएंगे। आप इस बार देखें, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, आपको इस पोजीशन में जाना है, इस तरीके से आपकी बैक फ्लिप भी काफी अच्छी लगेगी। और एक चीज का और ध्यान रखेगी, हार्ड सरफेस से मत कीजिए। मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ, मेरे रिस्ट और शोल्डर जॉइंट ठीक है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। शुरू में आप किसी मैट पे, ग्रास पे या मिट्टी पे कीजिए ताकि आप खुद को इंजर मत करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि मेरा तरीका सही है बताने का नहीं है, और आपको कैसी लगी ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज्यादा अपलोड करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना। समझाने का तरीका सही लगा तो कमेंट्स में बताना कि मैं गलत कर रहा हूँ, गड़बड़ होगी, क्या हो गया। दूसरा स्टेप हमारा सबसे आप मुश्किल भी लगा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है।